अपने चैनल में आपका स्वागत है और आप आज आप देख रहे हैं नॉर्थ इंडियन हिस्टोरिकल टूर के एपिसोड नंबर 2 में। यह एपिसोड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2, जिसमें पार्ट नंबर 1 में देखेंगे आप लोग राजा पहल जो ओरछा में स्थित है और दूसरा है जहांगीर पैलेस जो बाद में देखिए राजा पैलेस जो आप देख पा रहे हैं नाइट व्यू में आप देख पा रहे होंगे। ये जाने का रास्ता है, यहाँ से गाड़ियां जाती आती है, डायरेक्ट आप कार से भी आप ऊपर जा सकते हैं। ये दोपहर का व्यू, ये देखिए है एलिस की ओर, राजा मेलिस जो है उसके ओर हम जा रहे हैं कार से। देखिए ये रास्ता, ऊपर की ओर जाते हुए बहुत बड़ा रास्ता है यहाँ। ये खंडर है प्राचीन काल के जहाँ पे पैलेस हुआ करते थे। अब आप देख रहे होंगे दाई ओर जहांगीर पैलेस। अब हम जाएंगे पहले राजा पैलेस। ये ऊंचाई का रास्ता है और आगे अब देखिए हम जा रहे हैं दीवानी आम की ओर जहांगीर पैलेस। दीवानी आम मतलब आम लोगों के लिए जो दरबार उस वक्त होता था 17वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में। यह आप देख पा रहे होंगे कार वगैरह लगा, यह एक नजारा देखेंगे, यह पैलेस का नजारा है। यह रास्ता है दीवानी आम का जहाँ पे लोग अपनी समस्याएं राजा के पास लेके जाते थे। अब आप देख रहे होंगे जहांगीर पैलेस का नजारा। यह जहांगीर पैलेस है जो आप हम लोग बाद में देखेंगे। यह रास्ता आम लोगों के लिए रहता था जहां पे लोग आते थे। अब हम जा रहे हैं दीवानी आम की ओर। रिव्यू देखिए है पैलेस का, यहाँ पे राजा रहते थे, रानियां रहती थी, तो बाद में हम लोग देखेंगे। अब हम जा रहे हैं दीवानी आम की। ये देखिए दीवानी आम का दारा, छत पर देखिए पेंटिंग्स हैं नेचुरल पेंटिंग्स से सभी जो आप देख पा रहे होंगे। व्यू पॉइंट अब हम जा रहे हैं जाने से पहले आप पेंटिंग्स देख लीजिए। यह पेंटिंग है दीवानी आम की, खूबसूरत नेचुरल पेंटिंग। अब हम राजा के सिंहासन जहाँ पे रहते थे उस एरिया में जाने वाले हैं। देखिए ये जो सीढ़ियाँ दिख रही है जहाँ पे दरबारी रहते थे नीचे की, ये पूरा दरबारी रहते थे। ये देखिए ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, उसमें आप देखेंगे ऊपर का नजर जहाँ पे राजा बैठते थे एक वक्त में, यहाँ पे उनका सिंहासन रहता था, यहाँ पे पूरे दरबार का नजर उत्तर। देखिए यह यहाँ पे सिंहासन था, आप देखेंगे यह सिंहासन का टिका। Yeah.
जो गवर्नमेंट का मेन गाइड है जो प्राप्त हुआ वो आपको सुनाएंगे, जो बहुत अच्छी तरह से आपको गाइड करेंगे। देखिए प्रोत्साहित भी किया करते थे।
This room has a very exceptional to your name. Is an artist of the Andros, offering me about the years 12 wedding. Before dying Roger, which need the echo or hurry or within. Within the body of the elephant, you can see four women playing as a pedestrian. One is a dancer. Another king's royal attendants. The 12th is a queen who is drawn within the eagle's trunk. She is short of 5 million power in the body of her family. Is only done by married women. Hundreds of men go also how does live their days. Krishna. He had the unfortunate enough to be able to enjoy her today. Once you've enjoyed the beautiful art here, is Jagat. Raja Ram करते उनकी ख्वाबगाह में सामने का कमरा बैठने की जगह और बीच वाले कमरे के गुप्त रास्तों से जुड़ा हुआ बताया गया. गुप्त रास्ता, इस गुप्त रास्ते को किस लिए बनाया गया? गुप्त रास्ते कहाँ जाते थे? उनका उपयोग कब किया गया? हम इस बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते और ये बेची का सवाल आज भी अंतरित है. दीवारों पर बनी यह कलाकृतियां 17वीं शताब्दी की है. सबसे मन की दीवार पर भगवान राम अपनी पत्नी सीता, भाइयों लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और अपने परम भक्त हनुमान के साथ चित्रित है. इसमें भगवान राम के अयोध्या के राजा के रूप में राज्य अभिषेक के ठीक बाद दर्शन दिखाया गया है. भगवान राम की कथा महान महाकाव्य रामायण में गढ़ है, जिसे पूरे भारत में श्रद्धा से पढ़ा जाता है. दाई भगवान कृष्ण ने बच्चे यानी गोपियों के साथ क्रीड़ा करते हुए दिखाया गया है. इस कमरे की दीवार पर एक बहुत ही असाधारण कलाकृति है. आपके बाईं ओर की दीवार में एक आने वाले हाथी का एक चित्र है, जिसे कलात्मक रूप से 12 भेदाओं की शारीरिक कलाकृति द्वारा बनाया गया है. इसे नारी गुलशन कहते हैं. हाथी के शरीर के ऊपर आप 4 महिलाओं को वध या तो बजाते हुए देख सकते हैं. एक और पांचवीं राजा की शान परिचारिकाएं है. बारहवीं रानी है, जिसे हाथी की सूंड के ऊपर बनाया गया है. उसे अभी वहां में संदूक भरते हुए दिखाया गया है, जो हिंदू परंपरा के अनुसार विवाह करती है. सैकड़ों अज्ञात कलाकारों ने बुंदेली कला की अपनी विरासत को अंकित किया है. अब हम जा रहे हैं रानी पैलेस की ओर. देखिए राजा पैलेस का नजारा. ये देखिए रानी पैलेस का एक, ये रानी पैलेस का एक भाग. ये रहा पे रानी रहा करती थी. क्वींस लिविंग क्वार्टर्स. देखिए कितना सुंदर होता था.
दूसरे जन्म में बबुलाओं को हाथ पकड़कर नृत्य करते हुए दिखाया गया है, जिसमें एक लहंगा चोली और दुपट्टे की नदी के बाद भगवान राम का मंदिर बनाना चाहती थी। वे चाहती थी कि अक्षय प्रदेव वो इस कमरे से ही आ गए। अब हम देख रहे हैं रानी महल एवं राजा पैलेस का कुछ नजारा। देखिए लाकृतियां यहाँ पे बाकी रानियां रहती होंगी उस वक्त। अब हम देखने जा रहे हैं रानी पैलेस जहाँ पे रानी रहा करती थी, जो हमने कुछ समय पहले देख चुके हैं। ये देखिए रानी पैलेस जो ऊपर की ओर स्थित है, यहाँ पे महारानी रहा करती होंगी। देखिए इस किले को क्वीन ऑफ झांसी की रानी जी ने जीता था, ऐसा एक सीरियल में बताया गया है। लेकिन उसके कुछ तथ्य है कि नहीं, लेकिन कुछ संबंध रानी सरकार जो लड़ाई सरकार चतुर्भुज टेम्पल देखिए यहाँ से, ओरछा टेम्पल के साथ।